हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईएम फूड शो माय सेल्फ सिर जॉन। यू नो अभी जो मौसम है बारिश का मौसम है मानसून, और इस वीक हम लोग कर रहे समथिंग मानसून डिलाइट, जो खाने में पकौड़ा बनता है और चटपटा कुछ बनता है शाम को खाने के लिए। मतलब बारिश का मौसम में मतलब कुछ चटपटा खाने में ही मज़ा लगता है, पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, कोई रोल हो गया। तो आज हम लोग बनाएंगे एक चटपटा डिश जो सबको पसंद आएगा, जो बनेगा आलू और दाल से, तो आलू दाल टिक्की। तो आलू दाल टिक्की के लिए आप देखिए मेरे पास जो आलू है, दाल मैंने ऑलरेडी 3-4 घंटा सोख करके रखा है, तो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा चटनी बनाया है, इमली का चटनी, पुदीना का चटनी और दही। तो ये पानी मेरा बॉईल हो रहा है, हम आलू को डाल देंगे बॉईल के लिए। तो इसको हम लोग ढक के रखेंगे तो ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, उसको बॉईल होने देते। तो तब तक हम लोग दाल का जो है एक दाल का हम लोग बना लेंगे, जो स्टफिंग करेंगे। बहुत ही सिंपल है और इजी है, आप लोग बना सकते हैं घर में। और शाम को तो मन ही करता है चटपटा खाने के लिए, जैसे कि लॉकडाउन है, आप बाहर तो नहीं जा सकते और आप ऑर्डर मत कीजिए, घर में ही बनाइए कुछ समथिंग बेटर, हेल्दी और गुड वन। आलू को हम लोग बॉयल होने देते हैं दूसरे ओवन में, दूसरे चूल्हे में ये बॉयल होने देते हैं, जो मैंने बॉयल का कर रखा था वो निकाल में, ये बॉयल होने देते हैं। दाल का एक तड़का बनाएंगे, मस्टर्ड सीड्स, थोड़ा क्यूमिन पाउडर, और थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर के लिए थोड़ा करी पत्ता ऐड करेंगे। करेंगे इसमें हम लोग थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और ये दाल है, ठीक है, सोक करके रखेंगे तो दाल अच्छा सॉफ्ट हो जाता है। स्पाइसेस डालेंगे, थोड़ा हल्दी, थोड़ा कश्मीरी चिली, थोड़ा जीरा पाउडर, नमक, तो विल सॉटे इट लिटिल बिट एंड इट विल कुक। जैसे मैं बोला था आलू, देखिए आलू बॉईल करने के बाद उसको ठंडा करने का, छिलका का साथ बॉईल करने से क्या होता है, इसका जो टेक्सचर है वो एकदम हल्का सा जूसी रहता है। और इसको आप गरम गरम मत छील, मतलब मैश कीजिए, इसको हम छील लेंगे, छील के फिर इसको जो अच्छा से इसको मिक्स करके टिक्की कैसा बनता है मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे कि दाल
और आलू का यू कैन मेक इन वैरायटी और डिफरेंट स्टाइल, बट आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग अदर स्टाइल। से पील कर लेंगे और ये दाल भी रेडी हो गया है। सो लोग दाल रेडी, स्विच ऑफ कर देंगे, दाल को निकाल लेंगे। वेरी गुड, नो गेटिंग अ वेरी गुड अरोमा। इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर लीव ऐड करेंगे। नमक थोड़ा सा हमने मिक्सचर में भी नमक दिया है, हल्का सा जीरा, थोड़ा सा चाट मसाला इसमें ऐड करेंगे। चाट मसाला में और थोड़ा सा टेस्ट आएगा। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स देंगे, आप चाहिए तो ग्रीन पीस भी दे सकते हैं। और इसमें हम लोग ऐड करेंगे राइस फ्लावर, जैसे राइस फ्लावर को मिक्स, और जैसे मैं बोला ये गर्म होगा तो आपका टिक्की नहीं बनेगा, तो उसको बॉईल करके जैसे मैंने ठंडा कर लिया था। हम राउंड करके अच्छे से राउंड करके हल्का सा आप इसको दबाइए उंगली से, और ये दाल इसका अंदर हम लोग स्टफ करेंगे। इधर तेल हम लोग रेडी कर देंगे। इसको स्टफिंग करके तो ऐसा करके हम लोग बना लेंगे चार पांच पीस। हल्का फ्रेश टिक्की साइज, ठीक है। सो वी विल मेक 4-5 पीस लाइक दिस। सो सेम हम लोग शेप और साइज चार पीस बनाएंगे। तेल भी गर्म हो रहा है,
तो और एक स्टाइल होता है कि आप ये दाल और आलू एक साथ मैश करके भी बना सकते हैं। इसमें हम लोग जैसे स्टफिंग किया है, ये आपका तेल गर्म है, स्लोली यू टर्न, कैसी अच्छा कलर आ रहा है। यही आप बनाइए गरम गरम चाय का साथ, और अभी गर्मी का मौसम है, अगर चाय नहीं चाहिए तो आप ठंडेदार लस्सी भी बना सकते हैं, अच्छा लगेगा। बारिश का मौसम में गरम गरम आलू दाल टिक्की या लस्सी। तो जब तक ये होगा मैं थोड़ा सा ऑनियन चॉप कर लेता हूँ गार्निश के लिए। प्लेटिंग करेंगे आप देख सकते हो, चटपटा लगेगा देखने में, खाने में भी मज़ा लगेगा। और जैसे मैंने बोला, मैंने दो किस्म का सॉस बनाया है, मतलब चटनी बनाया, एक हरी पुदीना की चटनी और एक इमली की चटनी। और एक बार टर्न कर देंगे, अच्छा कलर देख सकते हैं। तो ये हमारा टिक्की रेडी है, हम इसको करेंगे प्लेटिंग। इसके ऊपर जो योगर्ट है, जो खट्टा वाला योगर्ट, इसमें से हम डालेंगे थोड़ी सी अपना टैमरिंड चटनी। तो इसका ऊपर जो योगर्ट है, जो खट्टा वाला योगर्ट, इसमें से हम डालेंगे थोड़ी सी अपना टैमरिंड चटनी। इसमें
इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ा सा टैमरिन चटनी, इमली की जो चटनी है, तो आप सोचिए खाने में कितना मज़ा आएगा, खट्टा मीठा और जो पुदीना का है थोड़ा सा स्पाइसी। इसमें से थोड़ा ऐड करेंगे हम लोग ऑनियन चॉप, और थोड़ा सा धनिया पत्ता ऊपर से, तो आप देख सकते हैं एक मज़ेदार चटपटा स्नैक्स रेडी आपके लिए। ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का करके चाट मसाला, और थोड़ा सा जो दही जो बचा है साइड में देने लगा, किसी को दही चाहिए तो थोड़ा सा दही भी ला के खा सकते हैं, थोड़ा चिली, थोड़ा कोरिएंडर, क्यूमिन पाउडर। सो आप देख सकते हैं वेरी सिंपल चटपटा एक रेडी हो गया आपका। देखिए आप देख सकते हैं, आप शाम को चाय का साथ खाइए, या मैंने जैसे बोला था मैंने बनाया था लस्सी, तो लस्सी का साथ ये हो गया आपका स्नैक्स। घर में बनाइए लॉकडाउन में, सिंपल एंड ईजी। और जैसे मैंने बोला वेदर इस मानसून, बारिश का मौसम, तो आई होप यू हैव लाइक इट। वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपीज, एंड स्टूडेंट्स हैव कीन टू लर्न अबाउट होटल मैनेजमेंट एंड वांट टू बिकम अ मैनेजर और शेफ। वी हैव टू इंस्टीट्यूट, वन इन गुवाहाटी, वन इन कोलकाता, विद फैंटास्टिक फैकल्टीज एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस। आपको जो कुछ कॉमेंट्स है, अगर आपको कुछ जानना चाहिए, प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड वील गेट बैक टू यू। Always as I say, COVID, you know, जो है, please wear your masks, maintain social distance, wash your hand frequently, sanitize your hand and maintain social distance and stay safe. तो फिर मिलेंगे next episode में, मानसून ब्राइट something चटपटा, something snacks जो आप चटपट बना सकते हैं। Till then, take care and